नमस्कार, हिंदी दोस्त में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे नई पॉलिसी लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। पहले तो मैं जो कंपलसरी बेसिक डॉक्यूमेंट है उनकी जानकारी दूंगा, उसके बाद एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है उसकी जानकारी मैं आखिर में दूंगा। पहला जो फॉर्म है प्रपोजल फॉर्म होता है, इसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हो, ये आपको कंपनी से मिल जाता है, ये फिलअप आपको करना होता है। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि नो योर कस्टमर, इसमें ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। तो ID प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आप वहां पर दे सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ अगर आप सैलरीड पर्सन हो, जॉब करते हो, तो सैलरी स्लिप देनी होती है पिछले 3 मंथ की, या फिर आप बिजनेसमैन हो तो फिर आपको IT प्रूफ होता है, यानी कि इनकम टैक्स प्रूफ वो देना होता है। उसके बाद एज प्रूफ देना होता है, तो उसमें आप जो भी आपका ID प्रूफ है जिस पे अच्छे से आपकी डेट प्रॉपरली मेंशन हो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद प्री प्रिंटेबल चेक होता है, यानी कि जब आप पॉलिसी लेने वाले होते हो जो तब आपको फर्स्ट पेमेंट चेक से करना होता है, वो प्री प्रिंटेड होना चाहिए, यानी कि उस पे आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए। चेक के फ्रंट साइड में कंपनी का नाम आएगा और बैक साइड में आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर आएगा। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है वो है मेडिकल रिपोर्ट। अगर कंपनी डिमांड करती है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस में राइडर्स क्या होते हैं, सरेंडर क्या होता है, अधिक जानकारी जो भी पॉलिसी की होती है आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय दोस्तों।